हेलो सेकंड क्लास, आज हम आपका तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, सिर का मुकुट। तो इसमें एक कहानी दी हुई है। इसमें कहानी से हमें ये संदेश मिल रहा है कि कोई भी बात बोले हम उसे सोच समझकर बोलना चाहिए। उस बात का हमें अपने शब्दों का सही तरह से प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर भोजन कर रहे थे। एक बार की बात है, बादशाह अकबर थे, वो खाना खा रहे थे, ठीक है। उनके प्रिय मंत्री बीरबल भी पास ही खड़े थे। अकबर का प्रिय मंत्री कौन थे? बीरबल। वो भी पास खड़े थे। मेज पर बहुत से स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे। अब खाने की मेज़ थी, उस पर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन, खाने के बहुत सारी वेराइटियाँ रखी हुई थी। उनमें से एक बैंगन की सब्जी भी थी। आपके घर पर भी बनती है ना बैंगन की सब्जी? तो अकबर बादशाह है, वो खाना खा रहे थे, तो उनकी टेबल पे बहुत सारा खाना पड़ा था, तो उस खाने में एक बैंगन की सब्जी का पतीला भी पड़ा था, ठीक है ना, बाउल पड़ा था उसमें, ठीक है। अब अकबर को बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगी थी। अकबर खाना खाने तो बैठ गए। तो जैसे आपको भी कुछ सब्ज़ियाँ हैं वो पसंद नहीं आती है ना, कि नहीं मैं ये नहीं खाऊँगा, मैं करेला नहीं खाऊँगा, मैं लौकी नहीं खाऊँगा, मैं भिंडी नहीं खाऊँगा, ऐसे करते हो ना, मैं हरी प्याज नहीं खाऊँगा, मैं टमाटर की सब्ज़ी नहीं खाऊँगा, कुछ बच्चे करते हैं ऐसा। तो वैसे ही अकबर थे, उनको भी बैंगन की सब्ज़ी वो अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम बैंगन की सब्ज़ी पसंद करते हो? तो अकबर के पास बीरबल खड़े थे, उनके प्रिय मंत्री थे जो, तो उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया कि बीरबल, क्या तुम बैंगन की सब्ज़ी पसंद करते हो? अब बीरबल तो बहुत चतुर थे, वे जान गए कि राजा को बैंगन की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगी। अब बीरबल थे वो तो बहुत चतुर थे, उनके तो किससे वैसे ही फेमस थे कि बीरबल बहुत होशियार थे। तो उनको समझ में आ गया था कि महाराज उनको, अकबर महाराज को, बादशाह को बैंगन की सब्ज़ी अच्छी नहीं लग रही है। तो बीरबल ने कहा, जा पना, ये सब्ज़ी अच्छी नहीं है, इसका स्वाद तो बेकार है। तो उन्होंने पूछा ना कि बीरबल तो चतुर थे, तो वो समझ गए थे भाई इनको पसंद नहीं है। तो उन्होंने कह दिया, नहीं ये सब्ज़ी तो बिल्कुल अच्छी नहीं है और इसका तो स्वाद भी बिल्कुल बढ़िया नहीं है। तब अकबर ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, इसका स्वाद तो बहुत बेकार है, ये देखने में भी अच्छी नहीं लग रही है। तो बीरबल को समझ लगा कि हाँ भाई अकबर को पसंद नहीं आई। बीरबल ने कहा, पाजा अपना, ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तब अकबर ने कहा कि हाँ ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसका तो स्वाद भी अच्छा नहीं है और दिखने में भी अच्छी नहीं लग रही है। फिर बीरबल ने कहा, इसे तो गधे ही पसंद कर सकते हैं। अब बीरबल ने क्या कहा कि ऐसी सब्ज़ी तो गधे ही खाते हैं, अपने तो पसंद ही नहीं करते। कुछ दिन के बाद, अब ये बात तो पुरानी हो गई थी, उन्होंने तो ऐसा कह के चुप हो गए थे कि ये तो क्या, तो उन्होंने कहा कि ये सब्ज़ी तो गधे ही पसंद कर सकते हैं। कुछ दिन के बाद जब अकबर रात्रि को भोजन कर रहे थे, तो मेज पर कई प्रकार के व्यंजन रखे। अब कुछ दिन हो गए थे उस बात को बीते हुए, तो एक दिन फिर रात को अकबर है जो खाना खा रहे थे, तो उनके मेज़ पर कई प्रकार के खाने रखे हुए थे। उनमें एक बैंगन की सब्ज़ी भी थी जो बहुत स्वादिष्ट व जायकेदार बनी थी। अब उस दिन क्या था, उस दिन भी बैंगन की सब्ज़ी थी, पर आज वो बहुत सुंदर दिख रही थी, जायकेदार, बड़ी टेस्टी लग रही थी, है ना। तो राजा ने उसे चखा और पसंद किया, अकबर ने उसको चखा और पसंद किया। उसने कहा, बैंगन एक स्वादिष्ट सब्ज़ी है, उस दिन अच्छी नहीं बनी थी, उस दिन तो कहा था बैंगन कोई सब्ज़ी है, वो तो खाने की सब्ज़ी है ही नहीं, वो तो बेकार सब्ज़ी, एक नंबर की, पर आज वो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी और बहुत सुंदर दिख रही थी। तो उन्होंने चख के कहा, वाह क्या सब्ज़ी है, बैंगन तो एक बहुत बढ़िया सब्ज़ी है, बैंगन की सब्ज़ी तो रोज़ बननी चाहिए, बैंगन तो बहुत अच्छी सब्ज़ी है। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम बैंगन की सब्ज़ी पसंद करते हो? अब आज फिर उन्होंने पूछा, पिछली बार जब उनको पसंद नहीं थी तब भी उन्होंने बीरबल से पूछा कि तुम पसंद करते हो? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो बीरबल ने राजा जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, नहीं जी सर, नहीं सर, नहीं महाराज, ये सब्ज़ी तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये सब्ज़ी तो गधे खाते हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो ऐसे ही दूसरे दिन भी टेस्टी सब्ज़ी बनी, तो इस बार भी उन्होंने पूछ लिया कि बीरबल, क्या तुम बैंगन की सब्ज़ी पसंद करते हो? तो बीरबल, राजा का मिजाज जानने में बहुत तेज़ था। अब बीरबल था, उसको राजा का स्वभाव पता था कि वो किस वक्त खुश होते हैं, किस वक्त नाराज़ होते हैं, उसी हिसाब से उन्होंने अपना उत्तर तैयार कर लिया। तो उन्होंने कहा, बीरबल ने कहा, जहाँ पना ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सब्जी है, बैंगन सब्जियों का राजा है, इसके इसीलिए तो इसके सिर पर मुकुट है। अब पता था आज राजा जी को बैंगन की सब्ज़ी बहुत पसंद आई है, राजा जी ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है, तो आज अगर मैंने इसको कह दिया कि ये बेकार सब्ज़ी है तो राजा जी मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। तो बीरबल वैसे तो था ही चतुर, उसने तुरंत अपना उत्तर बदला,
कि जापना ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सब्जी है। बैंगन तो सब्जियों का राजा है, तभी तो इसके सिर पे मुकुट लगा हुआ है। अब उसने अपनी बात पलटते हुए कह दिया, पिछली बार तो उसने कह दिया था कि नहीं ये तो सबसे बेकार घटिया सब्जी है, इसको तो गधे खाते हैं, पर आज उसको लगा कि नहीं ये सब्जी तो राजा जी को पसंद आ गई है, तो मुझे तो इसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। तो उसने कह दिया कि ये तो बहुत अच्छी सब्जी है, इस तो सब्जियों के राजा है, इसके सिर पर मुकुट है। तब बादशाह ने कहा, मैं तो सोचता था कि ये सब्जी तो सिर्फ गधों के लिए है। अब बादशाह को फिर मजाक सूझ गया कि वो पूछे कि बीरबल ने कल तो मतलब पिछले दिन तो ऐसे कहा था कि ये सब्जी तो गधे खाते हैं। तो उन्होंने फिर से एक बात छेड़ दी कि तब राजबादशाह ने कहा कि मैं तो सोचता था कि ये सब्जी तो सिर्फ गधों के लिए है। बीरबल झुका और उसने कहा, मैं मानता हूँ, तभी तो एक गधे ने उसे पसंद किया है। ये सुनकर के बादशाह लज्जित होकर हंसने लग गए। बीरबल ने झुककर कहा कि हाँ मैं मानता हूँ, तभी तो इसको एक गधे ने पसंद किया है। अब वो गधा कौन हो सकता है, उसने किस और इशारा किया, वो तो समझ की बात है। तो ये सुनकर के बादशाह को शर्म भी आई और वो हंसने लग गए। तो बीरबल की तरह ही हमें भी अपने वक्त शब्दों का सही तरह से चयन करना चाहिए, ताकि ऐसे लगे कि हाँ हमने सामने वाले व्यक्ति का मान रखा है और वो बात को समझ भी जाए। तो ये अपनी कहानी पूरी हो गई है, आपको समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है? अब इसके थोड़े से शब्दार्थ है, जो कठिन शब्द आए थे वो भी हम आज ही देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, अगले वीडियो में हम इसके आगे के अभ्यास देखेंगे, ओके? तो पहला है स्वादिष्ट, जो पहला शब्द आया था ना स्वादिष्ट, कई स्वादिष्ट व्यंजन पड़े थे,